जी अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 1.2 सॉल्व करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, तो इसका डाटा हम लोग चेक करते हैं। क्या डाटा हमें इसकी स्टेटमेंट से पता चलेगा, तो इसकी स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है, हाउ डू दी प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। यानी प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो और पीको का आपस में क्या ताल्लुक है, ये हम लोगों ने बयान करना है कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है। तो हम लोगों ने प्रीफिक्सेस का एक टेबल पढ़ा हुआ है, वो टेबल आपने दोबारा से यहाँ पे चेक करना है। उसमें ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि क्या है। हम लोग इसको जानते हैं, वी नो दैट, ये हमें पता है। क्या पता है हमें कि वन जो माइक्रो होता है ना, माइक्रो वो होता है 10^-6, और ऐसे ही वन नैनो जो होता है वो होता है 10^-9, और ऐसे ही वन पीको जो होता है वो होता है 10^-12। ये तीन वैल्यूज हमें जुबानी पहले भी हमने याद किए हैं, तो टेबल प्रीफिक्सेस का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर के लिए भी, बल्कि आगे जो आइंदा चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें भी ये प्रीफिक्सेस का टेबल किसी न किसी फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तीनों वैल्यूज को लिख लेते हैं पहले, ये हमें ऑलरेडी याद होनी चाहिए जुबानी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम लोग ये देखते हैं कि नाउ फाइंड, हमने ये करना था कि इनका आपस में कितना रिलेशन है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो वो फाइंड करने के लिए मैं क्या कहता हूं, वन माइक्रो इज इक्वल टू 10^-6 होता है, ये तो हमें पता है। हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10^-3 ऑन बोथ साइड। यानी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -3। आप चेक करें, अगर ये -6 है मेरे पास अभी, और अगर मैंने इसको -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -9 बन जाएगा, जो कि एक रिलेशनशिप में आ रही है जो नैनो होता है। तो लिहाजा इसी वजह से इसको मैंने -3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 10^-3 और साथ में माइक्रो आ जाएगा, और जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10^-3 और साथ में 10^-6 है। लिहाजा मैं ये कहता हूं कि जब अगर बेस बराबर है तो पावर्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और ऐसे ये वाला 10^-3 माइक्रो ऐसे ही आ जाएगा यहां पर। अब ये 10^-3 माइक्रो तो इधर ही है, अब ये कितना बन जाएगा, -3 और -6 जो होते हैं ये -9 होते हैं, तो यहां पे मैं इसको लिखता हूं -9। तो आपको पता हो गया यहां से कि 10^-3 जो माइक्रो है ये 10^-9 बनता है। लिहाजा एक रिलेशनशिप तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम दूसरा रिलेशनशिप फाइंड करते हैं बिल्कुल इसके सामने। तो हम क्या कहेंगे, एंड ऑल्सो जो दूसरा रिलेशन है वो उसको पीको के लिए लेके जाना, मैं इसको कहता हूं वन नैनो जो है ना वो कितना होता है, वन नैनो 10^-9 होता है। यानी नैनो प्रीफिक्सेस के टेबल में 10^-9 होता है। लिहाजा मैं इसको क्या कहता हूं, इधर भी हम लोगों ने सेम वही करना है, मल्टीप्लाई बाय 10^-3 ऑन बोथ साइड्स। अब इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वन के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमें पता है कि वन के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई भी चीज है वो वही रहती है, यानी इधर 10^-3 आ जाएगा और साथ में नैनो है, और यहां पे मैं 10^-3 लिखता हूं और 10^-9 लिखता हूं, और ये जो दोनों है फिर बेस बराबर होने की वजह से -3 और -9 ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। यानी बेसिस अगर सेम हो तो पावर से ऐड हो सकती है, और इस साइड पे जो आएगा ये 10^-3 है और इधर नैनो लिख देता हूं, और इसी तरह 10^-3 नैनो और ये 10^-12 बन जाएगा। जो 10^-12 होता है वो पीको के बराबर होता है, यानी पीको जो है वो 10^-12 होगा। टेबल से हमने ये चीज चेक किया, लिहाजा यहां से मुझे ये पता चला कि अगर मैं इसका नाम फर्ज कर रहा इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमें ये पता चलता है कि दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी इक्वेशन 1 एंड 2 इज रिलेशन बिटवीन माइक्रो, नैनो एंड पीको। यानी ये इनके दरमियान ये वाला जो है ना वो रिलेशन है हमारा, ये हमारा आंसर था। लिहाजा यहां से एक दफा इसका रिव्यू देख लेते हैं हम लोग,
यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में दिया होता है उसने कहा था कि आप माइक्रो में, नैनो में और पीको में आपस में क्या ताल्लुक है ये बयान करें। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, उनकी सबसे पहले टेबल के अंदर से वैल्यू चेक कर ली। अब टेबल की वैल्यूज लिखने के बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या काम किया है, एक प्रीफिक्स पकड़ा है उसको 10^-3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वहां से मैंने सॉल्व किया तो मुझे पता चला कि ये तो सारा का सारा नैनो बन गया है, तो ये एक रिलेशनशिप बन गया। ऐसे दूसरे वाले जो मैंने पकड़ा इधर से वन नैनो जो है वो 10^-9 है, तो मैंने इसको 10^-3 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई किया उधर भी मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद बेसिस बराबर है तो -12 बन गया जो कि पीको है। लिहाजा इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से में क्या पता चलता है कि ये आपस में इनका रिलेशनशिप है और 10^-3 इनके साथ आ रहा होता है, तो ये हमारा आंसर है।